ठीक है, डैम्प्ड हार्मोनिक मोशन, डैम्प्ड हार्मोनिक मोशन। ठीक है, अभी तक हम लोग जितने भी सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़े हैं, ठीक है, वहां पे कभी भी हम लोग डैम्पिंग की बात नहीं कर रहे थे। ठीक है, डैम्पिंग की बात नहीं करने का मतलब क्या था, कोई भी एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा था। जब स्टार्टिंग हम लोग शुरू किए थे स्टेप, आपको बताया था कि हम लोग मान के चलेंगे कि यहाँ पे कोई भी एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा है। लेकिन क्या रियल में ऐसा पॉसिबल है क्या? जैसे कि मान लो कोई भी एक स्प्रिंग है, इसके साथ मान लो कोई मास एम अटैच्ड है, स्प्रिंग कॉन्स्टेंट के है, सब मास क्या है, अटैच्ड है। इसको क्या करोगे, अगर आप इसको आप थोड़ा सा नीचे खींच के छोड़ दोगे तो क्या करेगा, स्टेम करता है। लेकिन जब स्टेम करेगा तो यहाँ पे अगर एयर है, एयर क्या करेगा, क्या ये जिंदगी भर इस तरह से स्टेम करता रहेगा? एयर क्या करेगा, तो रेजिस्टिव फोर्स अप्लाई करेगा और धीरे धीरे क्या करेगा, तो देखो कि धीरे धीरे ये रुक जाता है। ठीक है, धीरे धीरे क्या करेगा ये, मान लो आपने प्लस ए तक खींच के छोड़ दिया इसको, मान लो कि प्लस ए तक आप इसे खींच के छोड़ दे, तो क्या होगा, ए पहले यहां तक आएगा, ठीक है, और फिर इधर की ओर जाएगा, और धीरे धीरे इसका एम्पलीट्यूड होगा, क्या होगा, डिक्री होते जाता है, एम्पलीट्यूड क्या होता है, डिक्री होता जाएगा, धीरे धीरे जाएगा, रुक जाएगा। अगर आप टी इक्वल टू देखोगे, बहुत देर के बाद देखोगे, ठीक है, धीरे धीरे क्या होगा, ये जो ऑसिलेशन है वो क्या कर जाता है, डैम्प्ड कर जाता है, रुक जाता है, फिर ये ऑसिलेशन नहीं रहेगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, बहुत देर के बाद ये जब अपना स्टेडी स्टेट कंडीशन में आएगा तो क्या होगा, ये ऑसिलेशन खत्म हो जाएगा। इस तरह का जो एसएचएम है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डैम्प्ड ऑसिलेशन। ठीक है, डैम्प्ड मतलब क्या होगा, धीरे धीरे खत्म हो जाना, इस तरह के क्वेश्चन क्या बोलते हैं। इसमें क्या होगा बेसिकली, तो एम्पलीट्यूड देखोगे, एम्पलीट्यूड जो देखोगे वो क्या होगा, धीरे धीरे डिक्रीजिंग टाइप का होगा। एम्पलीट्यूड क्या होगा, धीरे धीरे डिक्रीजिंग होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कोई ना कोई रेजिस्टिव फोर्स लग रहा होगा, कोई ना कोई रेजिस्टिव फोर्स लग रहा होगा। या फिर इसको मान लो कि ज्यादा समझने के लिए, मान लो कि आप पानी में डाल दो इसको, ठीक है, इसको क्या करो, वाटर में डाल के छोड़ दो। ठीक है, तो ऐसा क्यों हो रहा है, तो जो रेजिस्टिव फोर्स होता है, जैसे कि मान लो आप इसको नीचे खींचोगे, जब नीचे खींच जा रहा होगा ब्लॉक, ध्यान से देखना, बस समझने की जरूरत है। अगर मान लो कि वेलोसिटी ब्लॉक का क्या है, नीचे की ओर है, तो जो फोर्स लगा रहा होगा लिक्विड, क्या लगा रहा होगा, ऊपर के लगा नहीं, लिक्विड जो फोर्स लगा रहा होगा, क्या लगा रहा होगा, ऊपर की ओर लगा रहा होगा। इसका जो रेजिस्टिव फोर्स होगा लिक्विड कारण, क्या कह रहा होगा, तो रेजिस्टिव फोर्स क्या होगा, ऊपर की ओर होगा। लेकिन जब ब्लॉक ऊपर की ओर मूव कर रहा होगा, जब ब्लॉक ऊपर की ओर मूव कर रहा होगा, तो रेजिस्टिव फोर्स क्या लग रहा होगा, नीचे की ओर लग रहा होगा, क्या लग रहा होगा, सेम एयर में भी। एयर में मान लो कि एयर होता, तो अगर मान लो कि कोई गुब्बारा ऊपर जा रहा है, कोई गुब्बारा बैलून ऊपर जा रहा है, तो रेजिस्टिव फोर्स क्या लगता है, नीचे की ओर लगता है। रेजिस्टिव फोर्स क्या लगता है, नीचे की ओर लगता है। लेकिन यही जब नीचे की ओर मूव करना शुरू करे, क्या करेगा, रेजिस्टिव फोर्स क्या लगेगा, ऊपर की ओर लगेगा। हमेशा रेजिस्टिव फोर्स क्या होता है, रेजिस्टिव फोर्स हमेशा वेलोसिटी के क्या होता है, अपोजिट होता है। हमेशा रेजिस्टिव फोर्स क्या होता है, इसे तो रेजिस्टिव फोर्स बोलते हैं ना। रेजिस्टिव मतलब क्या होता है, रेजिस्टेंस पैदा करना, उसके मोशन के अगेंस्ट कोई ना कोई फोर्स लगाना। तो इस केस में क्या होगा, अगर आप नेट फोर्स देखोगे, अगर नेट फोर्स देखोगे, तो जो नेट फोर्स होगा वो कितना होगा, एक तो फोर्स लगेगा जिसके कारण ऑसिलेशन हो रहा था, एफ नेट जो होगा यहाँ पे वो क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ के एक्स। ये तो कौन सा फोर्स हो गया, जो नेचुरल लगता है फोर्स, जिसके कारण क्या होता है, ऑसिलेशन होता है। और साथ साथ, ठीक है, साथ साथ एक और फोर्स लगेगा, कौन सा फोर्स लगेगा, तो रेजिस्टिव फोर्स लगेगा। ठीक है, ये हमारा क्या है, एफ आर क्या है, हमारा एफ आर हमारा रेजिस्टिव फोर्स, रेजिस्टिव फोर्स। ठीक है, और जो डैम्प्ड ऑसिलेशन होगा, डैम्प्ड ऑसिलेशन होगा, कैसा ऑसिलेशन होगा, यहां जो एम्पलीट्यूड होगा, एम्पलीट्यूड क्या करेगा, ग्रेजुअली क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। ठीक है, एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन gradually decreases, gradually decreases। ठीक है, यहाँ पे amplitude क्या करेगा, gradually क्या करेगा, decrease करेगा। इसका मतलब energy conserve रहेगा कि नहीं रहेगा, energy का कुछ ना कुछ loss हो रहा होगा, energy का क्या हो रहेगा, loss हो रहा होगा। ठीक है, और यहाँ पे जो net force होगा, net force क्या होगा, नेट फोर्स इक्वल टू हो जाएगा माइनस ऑफ के एक्स प्लस ऑफ जो भी रेजिस्टिव फोर्स होगा वो होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो फोर्स लग रहा होगा, दो तरह का फोर्स लग रहा होगा, के एक्स तो लग ही रहा होगा,
ठीक है, साथ साथ रेजिस्टिव फोर्स लग रहा होगा, और जो रेजिस्टिव फोर्स होता है, ठीक है, ये जो रेजिस्टिव फोर्स होता है, ठीक है, ये जो रेजिस्टिव फोर्स होता है कैसा होता है, अभी बताया कि जो रेजिस्टिव फोर्स होता है एफ आर या कैपिटल एफ आर जिसे लिखना है, कैपिटल एफ आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टिव फोर्स, एफ आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ वी होता है, वेलोसिटी क्या होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और नेगेटिव साइन दिखा रहे हैं, नेगेटिव साइन क्यों दिखा रहे हैं, क्योंकि यहाँ जो फोर्स होता है क्या होगा अपोजिट टू द वेलोसिटी होगा, ठीक है। यहां से अगर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाते हैं तो हम मान लेते हैं एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट बी, एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट का मान लेते हैं हम लोग बी, तो यहाँ पे जो रेजिस्टिव फोर्स हो जाएगा, ठीक है, एफ आर इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी इंटू बी, तो यहाँ से जो नेट फोर्स हो जाएगा, यहाँ से जो नेट फोर्स हो जाएगा, ठीक है, नेट फोर्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एफ इज इक्वल टू हो जाएगा आपको माइनस ऑफ के एक्स माइनस ऑफ बी इंटू वी, होगा कि नहीं होगा, माइनस ऑफ के एक्स माइनस ऑफ किसी भी टाइम पे देखोगे, एट एनी टाइम टी नेट फोर्स ऑन पार्टिकल, नेट फोर्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा माइनस ऑफ के एक्स माइनस ऑफ बी इंटू बी, बी इंटू बी कहां से आया, बी इंटू बी आया रेजिस्टिव फोर्स के कारण, क्योंकि डैम्प्ड ऑसिलेशन है, और माइनस के एक्स कहां से आया, तो माइनस के एक्स तो पहले होता रहेगा, जो फोर्स लग रहा होगा स्प्रिंग होगा तो स्प्रिंग का फोर्स लग रहा होगा, स्ट्रिंग होगा तो स्ट्रिंग के कारण लग रहा होगा, ठीक है, ग्रेविटेशन होगा तो ग्रेविटेशन का कारण लग रहा होगा, तो यहां से आपको पता चल जाएगा कि एफ इज इक्वल टू क्या होता है, एफ इज इक्वल टू होता है क्या होता है, एफ इज इक्वल टू तो मास इंटू डी टू एक्स बाई डी टी एक्स पर होता है ना, डी टू एक्स बाई डी टी क्या हो जाएगा एक्सेलरेशन हो जाएगा, तो मास इंटू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस ऑफ के एक्स माइनस ऑफ बी, और वी को क्या लिखेंगे हम लोग, वी को लिखेंगे डी एक्स बाई डी टी, वी को क्या लिखेंगे हम लोग डी एक्स बाई डी टी, तो सबको एक साइड लाओ क्या हो जाएगा एम इंटू, बहुत ज्यादा आपको ये सब ध्यान नहीं देना है, ठीक है, पहले भी बोला था, बस एंड में जो रिजल्ट आएगा उसको ध्यान में रख सकते हो, काम आएगा, ठीक है, प्लस के एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा जीरो हो जाएगा, ये क्या है तो डिफरेंशियल इक्वेशन है, डिफरेंशियल इक्वेशन है किसका, तो डैम्प्ड ऑसिलेशन का, ये क्या है, यह डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ डैम्प्ड ऑसिलेशन, डैम्प्ड, ठीक है, डैम्प्ड ऑसिलेशन का क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है, आप लोगों को नहीं पढ़ना है, ठीक है, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो जो इसका इक्वेशन आता है, ठीक है, इससे पहले भी देखे थे हम लोग को, पहले जो इक्वेशन आ रहा था क्या आ रहा था, ए और ए टर्म आ रहा था, ठीक है, उसको जब सॉल्व किया क्या आया था, एक्स इक्वल टू ए इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी आया था, ठीक है, इसको अगर सॉल्व करोगे आप, इसको अगर सॉल्व करोगे तो एक्स इक्वल टू क्या आता है, ये आपको रिजल्ट याद ही करना पड़ेगा, ठीक है, x इक्वल टू आता है a नॉट इंटू e रेस्ट पावर माइनस ऑफ बी टी बाई टू एम इंटू साइन ऑफ ओमेगा डैश टी प्लस फाइव, ओमेगा डैश टी प्लस फाइव, बस इसका मतलब समझेंगे, ये हमारा क्या आएगा, ये हमारा है सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, इसका क्या है सोल्यूशन है, कैसे आता है सोल्यूशन, इस पे अपने को दिमाग लगाना ही नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन आता है आपको याद रखना है, ये क्या है बेसिकली इक्वेशन ऑफ पोजीशन ऑफ पार्टिकल इन डैम्प्ड ऑसिलेशन, क्या होगा इक्वेशन ऑफ पोजीशन ऑफ पार्टिकल इन डैम्प्ड ऑसिलेशन, समझेंगे यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे अगर देखोगे आप, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जो एम्पलीट्यूड है, जो एम्पलीट्यूड है, ठीक है, एम्पलीट्यूड ए इक्वल टू कितना आ गया, ए इक्वल टू आ गया ए नॉट इंटू ई रेस्ट पावर माइनस ऑफ पी टी बाई टू एम, ठीक है, यहाँ पे देखो एम्पलीट्यूड क्या है, वेरिएबल है, एम्पलीट्यूड क्या है वेरिएबल है, और टाइम के साथ अगर बढ़ते जाओगे तो एम्पलीट्यूड कैसा होगा, तो डिक्रीज होगा कि नहीं होगा, ए नॉट इंटू ई रेस्ट पावर माइनस बी टी बाई टू एम, ये क्या करेगा एम्पलीट्यूड धीरे धीरे क्या करेगा डिक्रीज करते जाएगा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन कैसे डिक्रीज करता है, e रेस्ट पावर माइनस टी का ग्राफ देखोगे कैसा आता है, t इक्वल टू जीरो पे कितना होगा वन होगा, t इक्वल टू इनफिनिटी पे कितना होगा जीरो होगा, इस तरह से डिक्रीज करते जाएंगे, तो एम्पलीट्यूड क्या करेगा धीरे धीरे क्या करेगा डिक्रीज करते जाएगा,
एम्पलीट्यूड धीरे धीरे करेगा डिक्रीज करते जाएगा, और टी इक्वल टू अगर इन्फिनिटी देखो तो एम्पलीट्यूड क्या होगा जीरो हो जाएगा, तो ऑसिलेशन क्या करेगा रुक जाएगा, वाइब्रेशन नहीं होगा टी इक्वल टू इन्फिनिटी पे। लेकिन इसमें क्या होगा इस डैम्प्ड ऑसिलेशन हो गया, इसका एम्पलीट्यूड धीरे धीरे क्या कर रहा है डिक्रीज कर रहा है, ठीक है, इसका एम्पलीट्यूड क्या करेगा डिक्रीज करेगा। यहाँ जो ओमेगा डैश है, ठीक है, यहाँ जो ओमेगा डैश है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, यहाँ जो ओमेगा डैश है, ओमेगा डैश की वैल्यू कितनी आती है, ओमेगा डैश इक्वल टू आता है, ठीक है, कितना आएगा ओमेगा डैश इक्वल टू, तो आएगा अंडर रूट ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस ऑफ ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस ऑफ बी बाई टू एम, बी बाई टू एम का होल स्क्वायर, जहां पर ओमेगा नॉट स्क्वायर क्या है, ठीक है, आपको ओमेगा नॉट पता है, ओमेगा नॉट क्या होता है अंडर रूट के बाई एम, जो कि होता है नेचुरल फ्रीक्वेंसी, ठीक है, अगर कोई भी रेजिस्टिव फोर्स नहीं होता, कोई भी अगर रेजिस्टिव फोर्स नहीं होता उस केस में जो फ्रीक्वेंसी आता है कितना आता है अंडर रूट ओमेगा नॉट, कितना आता है अंडर रूट के बाई एम आता है, उसको हम लोग बोलते हैं क्या नेचुरल फ्रीक्वेंसी, क्या होगा नेचुरल फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अरे ओमेगा डैश क्या है, ओमेगा डैश ओवरऑल फ्रीक्वेंसी है डैम्प्ड ऑसिलेशन में, और वैसे आता है तो ओमेगा डैश इक्वल टू होगा अंडर रूट ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस ऑफ बी बाई टू एम। ये सब आता क्या है जब आप इक्वेशन को सॉल्व कर रहे होगे, ठीक है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को अगर आप सॉल्व कर रहे होगे उसी के बीच में ये सब आएगा, ठीक है, ये चीज आएगा, उसी को हमने ओमेगा डैश लिखा था। अब देखोगे तो सॉल्व करके तो देखना भी नहीं है सॉल्व करके, ठीक है, एम्पलीट्यूड आएगा ये, ठीक है, और एंगुलर फ्रिक्वेंसी आएगा आपको ये, ठीक है, ध्यान रख सकते हो, याद रख सकते हो तो रखना, नहीं रख सकते हो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ज्यादा आपका यूज का नहीं है, ठीक है, बहुत ज्यादा यूज का नहीं है। तो जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी होगा क्या होगा ओमेगा नॉट माइनस ऑफ बी बाई एम का होल स्क्वायर, ठीक है। अगर आप देखोगे अगर ओमेगा नॉट, ठीक है, ओमेगा नॉट इज इक्वल टू कितना आ गया अंडर रूट के बाई एम, अंडर रूट के बाई एम, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग नेचुरल फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, अंडर रूट के वाई एम कितना हो गया नेचुरल फ्रीक्वेंसी। ये बात समझ में आ रहा है? Yes, sir. थोड़ा बहुत भी? Yes. थोड़ा बहुत क्वांटम सा, ठीक है। तो इसका जब ग्राफ बनाओगे आप, ठीक है, इसका जब ग्राफ बनाओगे, ठीक है, एक्स वर्सेस टी का जब ग्राफ बनाते हैं, जब हमारा, ठीक है, जब हमारा क्या था रेजिस्टिव फोर्स जीरो था, ठीक है, एफ आर कितना था जीरो था, तो ग्राफ कैसा बनता था, साइनसोइडल फंक्शन बनता था ना, क्या था एक्स इक्वल टू ए इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव, ऐसा ही कुछ आता था, यहां पे क्या आएगा साइन ऑफ ओमेगा टी, आता था कि नहीं आता था जब कोई भी रेजिस्टिव फोर्स नहीं होता था, ठीक है, ये कैसा केस हो गया नेचुरल फ्रीक्वेंसी वाला, ठीक है, सिंपल हार्मोनिक मोशन बिना डैम्पिंग वाला, ठीक है, कोई डैम्पिंग नहीं है, लेकिन रेजिस्टिव फोर्स आ जाने से कैसा इक्वेशन आया, एक्स इक्वल टू ए नॉट इंटू ई रेस्ट टू पावर माइनस बी टी बाई टू एम इंटू साइन ऑफ ओमेगा डैश टी प्लस फाइव। इसका जो ग्राफ होगा कैसा बनेगा, देखो एम्पलीट्यूड क्या करेगा, एम्पलीट्यूड डिक्रीज करते जाएगा, यहाँ पे जो ग्राफ बनता है इसका जो ग्राफ बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा, ठीक है, एम्पलीट्यूड धीरे 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 डिक्रीज करते जाएगा, एम्पलीट्यूड क्या धीरे धीरे डिक्रीज करते जाएगा, ठीक है, अगर ध्यान से देखोगे तो इस तरह से एम्पलीट्यूड क्या करेगा इसका डिक्रीज करते जाएगा, ठीक है, टी इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे जाके इसका क्या हो जाएगा एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा। ये क्या हो गया हमारा डैम्प्ड ऑसिलेशन का ग्राफ हो गया, ठीक है, जब यहाँ पे रेजिस्टिव फोर्स जीरो नहीं था, कितना था रेजिस्टिव फोर्स इक्वल टू माइनस ऑफ बी इंटू वी था, उस केस में जो ऑसिलेशन आएगा इस तरह से आएगा, इसमें क्या बोलेंगे हम लोग डैम्प्ड ऑसिलेशन, ठीक है,
डैम SHM, ठीक है। अगर डैम्पिंग नहीं होता एम्पलीट्यूड हमेशा क्या रहता, हमेशा एम्पलीट्यूड क्या रहेगा सेम ही रहेगा, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें एम्पलीट्यूड धीरे धीरे क्या कर रहा है डिक्रीज करते जा रहा है, एम्पलीट्यूड धीरे धीरे डिक्रीज करते जा रहा है। और इसका इक्वेशन अगर याद करना चाहते हो तो इस तरह से इसका इक्वेशन आता है, ठीक है। कोई दिक्कत, दिक्कत तो बहुत होगा नहीं मिली इसलिए नहीं पढ़ा रहा था। तो यहाँ पे हम तीन चार क्वेश्चन छुड़वाए थे लास्ट क्लास में, ठीक है। इसको एक बार देखोगे आप, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अठारह पुस्तक के विच ऑफ द फ्लोइंग इक्वेशन रिप्रेजेंट द डैम्प्ड ऑसिलेशन, बताओ तो जरा कौन सा इक्वेशन जो होगा डैम्प्ड ऑसिलेशन को रिप्रेजेंट करेगा। इक्वेशन कैसा आया डैम्प्ड ऑसिलेशन का, बताओ अभी लिखे हैं, इक्वेशन कैसा आया, कैसा आया देखो, m इंटू डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर प्लस बी इंटू डी एक्स बाई डी टी प्लस एक्स इक्वल टू जीरो। इसको ऐसे भी लिख सकते थे हम लोग, डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर प्लस डी बाई एम इंटू डी एक्स बाई डी टी प्लस के बाई एम इंटू एक्स प्लस जीरो, के बाई एम इंटू एक्स प्लस जीरो। इस तरह बस एम से क्या किया डिवाइड कर दिया, ये हमारा क्या था डिफरेंशियल इक्वेशन था, ठीक है। डिफरेंशियल इक्वेशन था किसका, डैम्प्ड ऑसिलेशन का। तो बताओ क्या होगा आंसर, क्या होगा ऑप्शन ए होगा क्या, अरे बोलो, अरे बोलो, हेलो सर नहीं पता चल रहा, अभी बताया ना। अरे डैम्प्ड ऑसिलेशन में क्या होता है, जो फोर्स होता है कितना होता है, तो माइनस ऑफ के एक्स, ठीक है, माइनस ऑफ बी इंटू क्या होता है वी होता है, इतना ही याद रखना है। जो डैम्प्ड ऑसिलेशन होता है, एक जो आपने को फोर्स जो लग रहा था पहले से, उसके साथ साथ एक रेजिस्टिव फोर्स भी लगेगा, एक रेजिस्टिव फोर्स भी आपको साथ साथ लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये रेजिस्टिव फोर्स के कारण क्या आ रहा था डैम्पिंग आ रहा था, इस रेजिस्टिव फोर्स का कारण था डैम्पिंग आ रहा था। और जो रेजिस्टिव फोर्स होता है, जो रेजिस्टिव फोर्स होता है कितना होता है, माइनस ऑफ बी इंटू बी, बी क्या है कॉन्स्टेंट है, और बी क्या है वेलोसिटी है, वेलोसिटी क्या होता है हमेशा अपोजिट लगता है इसलिए निगेटिव साइन है, प्रोपोर्शनल टू वी होता है, रेजिस्टिव फोर्स क्या होता है प्रोपोर्शनल टू वी होता है, इसलिए हम लिख लेंगे बी एफ आर इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी इंटू वी। जब नेट फोर्स देखेंगे तो क्या आ जाएगा, दोनों का सम आ जाएगा ना, बस यहाँ से इक्वेशन लिख दिए थे हम लोग कि ये फोर्स इक्वल टू क्या होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्या होता है डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर, इसको इधर ले आए थे तो प्लस के एक्स, इसको ले आए थे प्लस बी इंटू वी को क्या लिखते हैं हम लोग डी एक्स बाई डी टी लिख दिए इक्वल टू जीरो, इक्वल टू जीरो। तो कैसा इक्वेशन आएगा, कैसा इक्वेशन आएगा, कुछ इस तरह का आएगा, कहाँ गया सर फोर्थ वाला आएगा, तो प्लस होना चाहिए था ना यहाँ पे सर, फर्स्ट कैसे हुआ, फर्स्ट नहीं हुआ ये बता रहे हैं, उसे तो फर्स्ट होगा क्या पूछ रहा था मैं, फर्स्ट होगा क्या, फर्स्ट तो अपना नेचुरल है ना, मतलब पहले जैसे होता था, ये तो डैम्प्ड का है ही नहीं। तो यहां से देखोगे तो डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर प्लस के एक्स आना चाहिए था ना, प्लस के एक्स आना चाहिए था, और प्लस यहाँ पे आना चाहिए था डी एक्स बाई डी टी, कुछ गड़बड़ है क्या सर, ऑप्शन गलत दिया होगा, अगर ए और बी देखोगे कांस्टेंट होगा तो आपका इक्वेशन क्या आएगा इसी तरह से आएगा, ठीक है। इसका आपको आंसर देख लेना, एक बार मैच कर लेना क्या है बी है क्या सर, आंसर तो इसका फर्स्ट दिखा रहा है, है? नहीं नहीं फर्स्ट तो नहीं होगा, ठीक है, डैम्प्ड ऑसिलेशन तो होता भी नहीं है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन रिप्रेजेंट द डैम्प्ड ऑसिलेशन, डैम्प्ड ऑसिलेशन क्या होगा, यहां भी प्लस कर लो ना, इसको इसको प्लस कर लो सर, आंसर फोर्थ, तो ठीक है तो इसको प्लस कर लो, अगर सब कुछ पॉजिटिव कांस्टेंट है तो सब प्लस ही आएगा,
ठीक है, कोई इसमें प्लस ही आएगा बस, ठीक है, कोई दिक्कत? आगे देखो, इन केस ऑफ डैम्प्ड ऑसिलेशन द एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन इज, ऑसिलेशन कैसा होता है इसका, इसका जो एम्पलीट्यूड होता है कैसा होता है, अभी बताए थे एज इक्वल टू क्या होता है, ए नॉट इनटू ई रेज टू पावर, ये अपने को याद ही रखना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है, बी टी बाई टू एम। एम्पलीट्यूड बस इतना ध्यान रखना कि डिक्रीजिंग टाइप का आता है। तो कौन सा होगा आंसर, ये वाला आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा नहीं हो जाएगा? Yes, sir. ठीक है, इसका एम्पलीट्यूड क्या आता है, ऐसा ही आता है, ठीक है। ये हमारा हो गया किस पे, तो डैम्प्ड ऑसिलेशन पे, ठीक है। इसके आगे आता है फोर्स नहीं पढ़ाना चाहता मैं, फोर्स ऑसिलेशन, ठीक है। जैसे कि आप मान लो कि डैम्प्ड ऑसिलेशन है, डैम्प्ड ऑसिलेशन तो क्या करेगा, धीरे धीरे खत्म हो जाएगा ना, लेकिन हम क्या करते हैं, डैम्पिंग नहीं चाहते, हम लोग क्या करते हैं, डैम्पिंग नहीं चाहते, तो क्या करना पड़ेगा, आपको एक अलग से फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा ताकि उस डैम्पिंग को क्या करे, खत्म करे, ठीक है। इसको बोलते हैं हम लोग फोर्स ऑसिलेशन, एक आपने अलग से एक फोर्स आपने अप्लाई कर दिया ताकि ये जो ऑसिलेशन है वो डैम्पिंग ना रहे, डैम्प ना हो, ठीक है। आप क्या करोगे, जो भी फोर्स अप्लाई करोगे कैसा फोर्स होगा, ठीक है, तो ये जिस फ्रिक्वेंसी के साथ ये डैम्पिंग हो रहा होगा, जिस फ्रिक्वेंसी के साथ ये डैम्पिंग हो रहा होगा, ठीक है, उसी तरह का एक ऑसिलेटिंग फोर्स क्या करना पड़ेगा आपको, प्रोवाइड करना पड़ेगा, ऑसिलेटिंग फोर्स क्या करना पड़ेगा आपको, ऐड करना पड़ेगा, तो क्या करेगा, इसका डैम्पिंग को खत्म करेगा। वैसे क्वेश्चन को बोलते हैं हम लोग फोर्स ऑसिलेशन, वैसे क्या बोलते हैं हम लोग फोर्स ऑसिलेशन। इसमें हम क्या करते हैं, एक्स्ट्रा फोर्स लगा देते हैं, ठीक है, पार्टिकल पे एक एक्स्ट्रा फोर्स लगा देते हैं, इस तरह से Ft is equal to F naught into sin of omega d into t, कि हमारा पार्टिकल क्या कर रहा था, हमारा पार्टिकल डैम्प कर रहा था, ठीक है, हमारा ऑसिलेशन क्या कर रहा था, डैम्प कर रहा था, एक हमने क्या किया है कि ऑसिलेटिंग फोर्स ही लगा दिया, एक हमने क्या किया है ऑसिलेटिंग फोर्स लगा दिया, ठीक है, साथ में हमने क्या किया है, डैम्पिंग ना हो इसके लिए क्या किया हमने, एक ऑसिलेटिंग फोर्स लगा दिया, जैसा ऑसिलेशन होता है ना उसी तरह का एक फोर्स लगा दिया है, तो क्या करेगा, इस पार्टिकल को जबरदस्ती ऑसिलेशन करवाएगा, ठीक है, अपने फ्रिक्वेंसी के साथ, ये जो ओमेगा डी हो गया, ओमेगा डी क्या होगा, ये हमारा क्या है, इसको बोलते हैं ड्राइविंग फोर्स, ये जो हमारा एफ टी है इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ड्राइविंग फोर्स, और जो ओमेगा डी है इसको बोलते हैं हम लोग ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी। ओमेगा डी क्या हमारा, ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी है, बहुत ज्यादा यूज नहीं पड़ेगा इसलिए आपको हम ऐसे बस बोलते जा रहे हैं, समझ लो, ओमेगा डी क्या हमारा, ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी है, क्यों, क्योंकि डैम्प ऑसिलेशन हो रहा था ना, डैम्प ऑसिलेशन क्या हो रहा था, धीरे धीरे एम्पलीट्यूड घटते जा रहा था, ठीक है, ऑसिलेशन क्या हो रहा, खत्म होते जा रहा है, इस ऑसिलेशन को बचाने के लिए एक ड्राइविंग फोर्स क्या करते हैं हम लोग, अप्लाई कर देते हैं, ठीक है, इस फॉर्म में एफ नॉट इंटू साइन ऑफ ओमेगा डी इंटू टी के फॉर्म में एक ड्राइविंग फोर्स क्या करते हैं हम लोग इस पे अप्लाई करते हैं, तो क्या करेगा, इस पार्टिकल को अगर फोर्स आपने ऐसे लगाया तो क्या करेगा, पार्टिकल इसी तरह से ऑसिलेट करेगा ना, जिस तरह का फोर्स लगाया हो उस तरह से पार्टिकल क्या करेगा, ऑसिलेट करेगा, तो जो पार्टिकल है बेसिकली ऐसे ऑसिलेट करेगा, तो जैसा फोर्स लगाया है, ड्राइविंग फोर्स जैसा लगाया है उसी तरह से क्या करेगा, ये ऑसिलेशन करना शुरू कर देगा, उस तरह से ऑसिलेशन करना शुरू कर देगा, जहां पे ओमेगा डी क्या हो जाएगा, ओमेगा डी को बोलते हैं ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी, बस नाम है, ये ड्राइविंग फोर्स का फ्रीक्वेंसी है, इसी फोर्स के अकॉर्डिंग पार्टिकल क्या करेगा, एस्टेम करेगा, इस फ्रीक्वेंसी को क्या बोलते हैं हम लोग, ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी, तो जैसा फोर्स लगाएंगे पार्टिकल उस तरह का एस्टेम करेगा, अगर ये ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी, अगर ये ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी नेचुरल फ्रीक्वेंसी के बराबर हो जाए, ठीक है, ये अगर ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी किसके बराबर हो जाए, नेचुरल फ्रीक्वेंसी के बराबर हो जाए, क्या बोलेंगे इस कंडीशन को, बोलते हैं हम लोग रेजोनेंस, इस कंडीशन क्या बोलते हैं हम लोग, रेजोनेंस, समझो क्या होता है, सिंक्रोनस में चलना ना, ठीक है, तो जो ड्राइविंग फोर्स लगाया है उसका फ्रीक्वेंसी हम उतना ही रख रहे हैं जितना कि क्या था इसका, नेचुरल फ्रीक्वेंसी था, ओमेगा डी इज इक्वल टू, अगर ओमेगा नॉट हो जाता है, ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी अगर ओमेगा नॉट के बराबर हो जाता है, इस केस में इस कंडीशन को क्या बोलेंगे हम लोग, रेजोनेंस बोलेंगे, ये बात समझ में आ रहा है, इससे ज्यादा काम कभी नहीं आपको। क्वेश्चन जरा देखो, क्वेश्चन नंबर सत्रह देखो, बताओ क्या होगा इसका आंसर। इन फोर्स ऑसिलेशन पार्टिकल ऑसिलेट सिंपल हार्मोनिक विद फ्रीक्वेंसी इक्वल टू, किसके फोर्स ऑसिलेशन क्या करेगा,
फोर्स ऑसिलेशन में जो पार्टिकल ऑसिलेट करता है कितने फ्रीक्वेंसी से, तो ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी के बराबर, ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी के बराबर, ठीक है। तो क्या होगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ ड्राइविंग फोर्स, जिस तरह का फोर्स लगाओगे उसी फ्रीक्वेंसी से क्या करेगा ये अपना पार्टिकल क्या करेगा, ऑसिलेट करेगा, जिस तरह का फोर्स लगाए हो, ठीक है। अब ये फोर्स अगर नेचुरल फ्रीक्वेंसी के बराबर हो जाए तो उस कंडीशन को क्या बोलेंगे हम लोग, उस कंडीशन को बोलेंगे हम लोग रेजोनेंस, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 20 पढ़ो, रेजोनेंस इज द स्पेशल केस ऑफ, स्पेशल केस ऑफ किसका आ जाएगा, फोर्स ऑसिलेशन। फोर्स ऑसिलेशन में जो ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी है किसके बराबर हो जाए, नेचुरल फ्रीक्वेंसी के बराबर हो जाए, ठीक है। यानी पता ही चले कि नेचुरल मतलब डैम्प्ड ऑसिलेशन है कि नेचुरल ऑसिलेशन है, ठीक है। तो उस केस में क्या हो जाएगा, एक कंडीशन क्या कहेगा, रेजोनेंस कहलाएगा। इतना ही जानना है, इससे ज्यादा नहीं जानो तो ज्यादा बेटर है। ये बात समझ में आ रहा है? Yes. ठीक है, तो इक्वेशन आप चाहोगे तो ध्यान रख सकते हो, ठीक है। किसका इक्वेशन ध्यान रख सकते हो आप, इसका कैसा इक्वेशन आता है, ठीक है, डैम्प्ड ऑसिलेशन का। और फोर्स ऑसिलेशन में क्या करते हैं, फोर्स ऑसिलेशन में पढ़ाना है क्या, फोर्स ऑसिलेशन मिले किसी को लगता है कि पढ़ाना चाहिए, ठीक है। फोर्स ऑसिलेशन में क्या करते हैं, तो सिंपल एक एक्स्ट्रा फोर्स, ज्यादा नहीं लिखेंगे कुछ भी, सिंपल एक क्या करते हैं, एक एक्स्ट्रा फोर्स हम क्या करते हैं, अप्लाई कर देते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, ड्राइविंग फोर्स, जिसको हम लोग लिखते हैं इस तरह से, एफ नॉट इंटू साइन ऑफ ओमेगा डी, साइन ऑफ एफ नॉट इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी, ठीक है, ओमेगा डी प्लस फाइव, ठीक है, ओमेगा डी प्लस फाइव, या फिर ऐसे फाइव हटा दो फाइव, कोई जरूरत नहीं है, लिखो ना लिखो, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं क्या, ड्राइविंग फोर्स, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ड्राइविंग फोर्स, ठीक है। क्या होता है, फोर्स ऑसिलेशन। यहाँ पे जो ओमेगा डी है, ओमेगा डी को क्या बोलते हैं हम लोग, ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी, क्या बोलते हैं इसको हम लोग, ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी, ठीक है, ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी। इससे ज्यादा आपको जानना की जरूरत नहीं है, ठीक है। और जो पार्टिकल जो है जो एस्टेम करेगा किस फ्रीक्वेंसी से करेगा, तो ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी से ही फ्रीक्वेंसी करेगा। और जब ओमेगा डी इक्वल टू ओमेगा नॉट हो जाए, ओमेगा नॉट मतलब अंडर रूट के बाई एम, यानी ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी किसके बराबर हो जाए, तो नेचुरल फ्रीक्वेंसी के बराबर हो जाए। ये हमारा क्या था, नेचुरल फ्रीक्वेंसी। इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं क्या, इस कंडीशन को बोलते हैं हम लोग रेजोनेंस। इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, रेजोनेंस। अगर ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी किसके बराबर हो जाए, ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी आपके नेचुरल फ्रीक्वेंसी के बराबर हो जाए, इस कंडीशन को हम लोग बोलेंगे रेजोनेंस। इससे ज्यादा मत जानो तो ज्यादा बढ़िया है, ठीक है। टाइम पीरियड क्या होता नहीं होता है, सबको निकालने के लिए नहीं देगा आपको, ठीक है। टाइम पीरियड भी क्या होगा इसका, जो होगा बहुत अजीब सा आएगा, वो सब भी आपको निकालने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बस इतना ध्यान के रखना कि जो फ्रीक्वेंसी होगा इसका, ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी, उसी फ्रीक्वेंसी से फोर्स ऑसिलेशन क्या करेगा, पार्टिकल मूव करेगा। और जब ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी नेचुरल फ्रीक्वेंसी के बराबर होता है, उस कंडीशन को बोलते हैं हम लोग रेजोनेंस, ठीक है। इसलिए अवॉइड करा था इस टॉपिक को, बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं आता है, आएगा भी तो बस आपको थियोरेटिकल टाइप का एक दो क्वेश्चन आएगा, ठीक है, वो आप कर लोगे, कोई दिक्कत बताओ? नो सर। पक्का? तो हम चलो आते हैं अपने वापस से बुकलेट पे, ठीक है। यहाँ के जो चार क्वेश्चन थे छोड़े थे वो तो हो गया है, चलो यहाँ से बताओ 23 से कहाँ दिक्कत है, 22 से खत्म करो इसको, 22 से बताओ, 22 से लेके 25 तक में कोई दिक्कत? आज एक क्वेश्चन नहीं बताएंगे, बताओ 22 से लेके 25 तक में कोई दिक्कत? सर 25 बता दीजिए सर, ऐसे रैंडम? नहीं सर बताइए ना। नहीं। और ये बता दो जरा, 22 कैसे बनाया, 22 कैसे बनाया,
सर वही तो बोल रहे हैं, वो बता दीजिए 25 नंबर। 22 नंबर कैसे बनाए हम पूछ रहे हैं सर। नहीं बना है, 25 का क्वेश्चन पढ़े तो अजीब लगा, सही पूछ रहा है। ऐसे ना रेंडम, मतलब ट्राई तो करके आए नहीं हो। कौन है, भागना शुरू कर दिए मोहित? नो सर, कहाँ भाग है? नहीं नहीं बाकी लोग क्वेश्चन पूछना शुरू किया तो भागना शुरू। चलो कोई बता सकता है 25 कैसे बनेगा? पोटेंशियल एनर्जी दे रखा है आपको, पोटेंशियल एनर्जी दे रखा है, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी का फंक्शन कितना आ जाएगा? फंक्शन ले सकते हो, कैसा फंक्शन आएगा, कैसा होगा, कैसा होता है इसका? 4x² के फॉर्म में आता है, y इक्वल टू 4x² वर्क नहीं होगा? हाँ सर यही होता है। हाँ हाँ अरे या फिर ऐसे मान सकते हो ना कि y इक्वल टू क्या होगा, k इंटू x², यानी पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे कितना आएगा, k इंटू x² के फॉर्म में आएगा, ठीक है। जब x इक्वल टू जीरो है तो पोटेंशियल एनर्जी कितना है, जीरो है। x इक्वल टू जब जीरो है तो पोटेंशियल एनर्जी कितना है, जीरो है। x इक्वल टू जब 0.2 है, ठीक है, x इक्वल टू जब 0.2 है पोटेंशियल एनर्जी कितना हो गया, 1 हो गया। यहाँ से k की वैल्यू कितना आ गया, k की वैल्यू आपका आ गया 1/0.04, मल्टीप्लाई कर दो ऊपर 100 से, हट जाएगा तो कितना जाएगा 25 आ जाएगा। यहाँ से जो पोटेंशियल एनर्जी आ गया कितना आ गया, 25 × x² आ गया। अब पोटेंशियल एनर्जी आ गया तो फोर्स नहीं आ जाएगा, फोर्स आ जाएगा। यस सर। फोर्स इक्वल टू क्या होता है, माइनस ऑफ du/dx, कितना हो जाएगा ये, माइनस ऑफ 25 × 2x, कितना हो जाएगा ये, माइनस ऑफ 50x, 50 × x। अगर फोर्स इक्वल टू -50x आ जाएगा तो यहां से निकालना कोई दिक्कत है क्या? फोर्स इक्वल टू क्या आ गया, माइनस ऑफ kx आ गया ना, फोर्स इक्वल टू कितना आ गया, माइनस ऑफ kx। यहां से x इक्वल टू कितना आ जाएगा, x इक्वल आ जाएगा माइनस ऑफ 50/4 × x, ये क्या आ जाएगा आपको, ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया, 25/2, ठीक है। तो ओमेगा इक्वल टू आ गया आपको 5√2, ओमेगा इक्वल टू 5√2 आ गया तो टाइम पीरियड इक्वल टू कितना होता है, टाइम पीरियड इक्वल टू 2π/ω होता है, करोगे तब तो 2π/ω, कितना आंसर आ जाएगा, 2π/5√2। यस सर, 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 से 30 तक में कोई दिक्कत, नोट करना चाहो नोट कर लो, सब तो गधे हो कुछ भी दिमाग नहीं लगाते, ठीक है। कहीं भी आपको पोटेंशियल एनर्जी देना का, फोर्स निकालना ना, बस फोर्स निकालना, कैसे निकालेंगे, पोटेंशियल एनर्जी दिया हुआ है वहां से फोर्स निकालना कोई भारी बात है क्या, डिपोजिट कर देना है। क्वेश्चन नंबर 26 से लेकर 30 तक सर। 28 A सिंपल पेंडुलम सस्पेंडेड फ्रॉम अ सीलिंग, ठीक है, ऑफ अ स्टेशनरी लिफ्ट ऑफ टाइम पीरियड टी नॉट, व्हेन द लिफ्ट डिसेंड एट अ स्टेडी स्पीड टाइम पीरियड इज t1, व्हेन द डिसेंड विद अ कांस्टेंट डाउनवर्ड एक्सेलरेशन टाइम पीरियड इज t2, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। बड़ा मम मारेंगे, कौन पूछा है, कौन है? संजना। क्यों, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम क्या होता है, कितना बार बताएंगे, 2π√L/g effective, याद है, लिफ्ट ऊपर नीचे करके नहीं बताएं क्या? Yes, sir. तो क्या पूछ रही है, अगर लिफ्ट में रखा हुआ हो, लिफ्ट में अगर एक चीज रखा हुआ हो, अगर लिफ्ट अप ऊपर जा रहा है मान लो ए से, लिफ्ट अगर ऊपर जा रहा हो ए से, जी इफेक्टिव कितना होता था, जी इफेक्टिव जी प्लस ए नहीं होता था, अरे सीडो फोर्स यहाँ पे क्या करेंगे, नीचे की ओर लगा देंगे ना एक और फोर्स m into a, mg + m into a। तुम ही तो उस दिन क्लास कर रही थी जी, नहीं होगा? हाँ सर समझ गया, ठीक है। लेकिन जब कांस्टेंट स्पीड से जाएगा, स्पीड कांस्टेंट रहेगा तो क्या हो जाएगा, t इक्वल टू कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। Yes, क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यानी t1 देखोगे जब कांस्टेंट स्पीड से जा रहा होगा तो क्या हो जाएगा, t1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, t0 हो जाएगा, ठीक है। और जब ये डिसेंड कर रहा होगा यानी नीचे की ओर जा रहा होगा, नीचे की ओर अगर जा रहा होगा, ठीक है, अगर ऐसे ऐसे नीचे की ओर जा रहा होगा तो जी फैक्टर क्या हो जाएगा, जी फैक्टर जी माइनस ए हो जाएगा ना, जी माइनस ए हो जाएगा। अगर एक्स से नीचे की ओर है,
जी फैक्टर कितना हो जाएगा, जी माइनस ए हो जाएगा। अगर ऊपर की ओर जा रहा तो क्या होगा, जी प्लस ए हो जाएगा। ए बस समझ आता है नहीं आता? यस सर समझ। ठीक है वेरी गुड, कुछ तो समझे ना भी आता तो क्या दिक्कत है। ऐसे एक एक दिन हम लोग एक्सेलरेशन का इसका एसएचएम का सिर्फ 3 से 4 घंटे का एक ऑफलाइन क्लास रखेंगे, जिसमें पूरा ओवरव्यू दे सकता हूँ मैं, ठीक है, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक क्या क्या किए हैं नहीं पढ़े हैं, ठीक है। ऑनलाइन पढ़ने में बहुत ज्यादा मजा नहीं आ रहा, ऑफलाइन में ज्यादा मजा आ रहा है। yes, तो एक दिन ट्राई करेंगे कि 3 से 4 घंटे का लंबा क्लास ले और उसमें ही पूरा स्टार्टिंग से लेके एक ओवरव्यू टाइप का, ठीक है, थोड़ा पढ़ के आना, फॉर्मूला वाला देख के आएगा, ठीक है, कुछ भी डराइव नहीं करेंगे, जैसे कि ए लिखे थे डायरेक्टली लिख देंगे हम, सिंपल पेंडुलम का क्या होता है, डराइव नहीं करेंगे, तभी तो क्लास खत्म होगा 4 घंटे में, नहीं तो क्यों होगा। तो ये सब चीजें थोड़ा देख के आना एक बार, हो सकता है नेक्स्ट वीक में लगाए किसी दिन, ठीक है, और पूरा एक एसएचएम का ओवरव्यू आपको हम दे सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 क्यों पूछ दिया, मतलब मूड खराब हो गया, ये सब पहले भी बता चुके हैं बहुत बार, ऊपर भी आ चुका है। नहीं ना की हो, ईमानदारी से बोलो क्या करते रहते हो, हैं क्या करते रहते हो बताओ, वो समझ में नहीं आता। आगे पूछो 30 से 35 के बीच में, 30 से 35 के बीच में, कुछ नहीं, जब किए नहीं तो हम क्या बताएंगे, इसलिए छोड़ देते हैं फिर बुकलेट डिस्कस करना। 30 से 35 के बीच में बढ़िया है, कोई डॉट नहीं है। 35 से 40 के बीच में कोई डॉट नहीं है, ठीक है। 40 से 45 के बीच में कोई डॉट नहीं है क्या जी, संजना मोहित श्रुति बाकी लोग तो भागी है क्वेश्चन डिस्कस करने के नाम पे। नहीं नहीं क्यों, जाओ अभी बैठ के करो, इतना टाइम लगता है क्या एक क्वेश्चन करने में, है? नो सर। तो फिर क्वेश्चन पढ़ोगे आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन पढ़ोगे आंसर हो जाएगा। जैसे क्वेश्चन में देखो 50 दिख रहा है कि टू म्यूचुअल परपेंडिकुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन आर ऑफ सेम एम्पलीट्यूड फ्रीक्वेंसी एंड हैविंग जीरो फेज डिफरेंस सुपर इम्पोज ऑन ए पार्टिकल, देन इट्स रिजल्टेंट पाथ विल बी, कैसा होगा रिजल्टेंट पाथ, दो सुपरपोजिशन को ऐड किया गया है, ठीक है, सेम एम्पलीट्यूड का है, सेम फ्रीक्वेंसी का है, इनिशियल फेज डिफरेंस कितना है, जीरो है, इनिशियल फेज डिफरेंस कितना है, जीरो है, और क्या है, दोनों परपेंडिकुलर है। हम दो केस लेके बताए थे, एक परपेंडिकुलर वाले में, एक क्या था, सेम डायरेक्शन में, दोनों सुपरपोजिशन करने के लिए बताया है। यस सर। क्या होगा इसका पाथ, स्ट्रेट लाइन। अगर ये फेज डिफरेंस 90 होता तो, फेज डिफरेंस का तो 90 होता तो सर्कुलर ना, एम्पलीट्यूड देखो इक्वल दे रखा है, इलिप्स कब होगा, जब अलग अलग एम्पलीट्यूड रहता, यहाँ पे ए और ए दोनों के एम्पलीट्यूड सेम है ना, इलिप्स कब होता, ध्यान से समझ जाके पढ़ो एक बार, सब चीज बता रखे है। ये पढ़ लेंगे। एक क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन 50 पर, कौन सा इक्वेशन सिस्टम रिप्रेजेंट कर रहा है, कौन सा कर रहा है, ऑल ऑफ दिस सभी कर रहे हैं, यहाँ भी ओमेगा टी, यहाँ भी ओमेगा, सब सेम फ्रीक्वेंसी का है। अगर कोई 2 ओमेगा होता तो क्या होता, 2 ओमेगा कॉस ओमेगा टी, तब नहीं होता, ठीक है, सेम फ्रीक्वेंसी वाला को ऐड घटाओ क्या आएगा, एसएचएम ही आएगा, ठीक है। ये देखो यहाँ पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 49 कि इसका एम्पलीट्यूड कितना होगा रिजल्टेंट का, आपको पता है कि फेज डिफरेंस कितना है, 90 है ना, ये कितना हो जाएगा, 4 into sin ऑफ ओमेगा टी प्लस 90 डिग्री, ये होगा ना। तो एक एम्पलीट्यूड कितना है, एक एम्पलीट्यूड 4 है, एक एम्पलीट्यूड कितना है 2 है, एंगल कितना है 90 डिग्री है, रिजल्टेंट निकालने के लिए क्या है, दो वेक्टर को ऐड करना पड़ता था, तो बेसिकली क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, इतना ही होगा। 16 प्लस 4 कितना हो गया, 20 हो गया, तो क्या आ जाएगा, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, ऐसे ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, ट्राई करो तो ना, हम बता देंगे फायदा नहीं होगा, हम तो लाइन से बता देंगे, हम देखो स्टार्टिंग में इसलिए बताते हैं करके 20 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन तक हम बताते हैं जानबूझ के, कम से कम आप सीखोगे, उसके बाद फिर हम सारा हम ही बता देंगे, फायदा क्या है, क्योंकि स्टार्टिंग में जब क्वेश्चन करते हैं तो दिक्कत होता है, लेकिन एक बार करने के बाद आपको आइडिया लगता है ना कैसा होगा, कैसा होगा तो आप खुद को ट्राई करना पड़ेगा ना,
नहीं करना पड़ेगा, नहीं करेगा तो कैसे काम चलेगा? करना पड़ेगा सर, सारा कुछ हम ही कर देंगे तो मेरा तो टाइम भी बचेगा, तुम लोग जितना भुगते हैं उससे बढ़िया कि हम सोल्यूशन बना के डाल दें सारा सारा पूरा पोर्शन। कितना टाइम लगेगा? मुश्किल से 100 क्वेश्चन होगा तो लिखने पढ़ने में मिला के मान लेते 5 मिनट, एक क्वेश्चन में 500 मिनट लगेगा। छोड़ते तो इसलिए ना कि आप लोग प्रैक्टिस करो, हम ऑलमोस्ट सारे टाइप के क्वेश्चन कवर कर चुके हैं, ठीक है, सारे टाइप के क्वेश्चन कवर कर चुके हैं। इस तरह का भी रॉड वाला भी कवर किया है, ठीक किया कि नहीं किया है, ये वाला भी कवर किया है, ठीक है, ये भी कवर किया है, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन भी कवर किया है। अब के इक्विवेलेंट निकालना है, के इक्विवेलेंट निकालना है, इस तरह के क्वेश्चन हम लोग किए हैं, ठीक है। और इसमें एक चीज देखना, अभी एक क्वेश्चन दिखा था मेरे को, कहाँ गया, कहाँ दिखा था, ठीक है, प्रीवियस ईयर करने की कोशिश करना जरूरी से, लेकिन अभी एक जो क्वेश्चन दिखा था मेरे को कहाँ गायब हो गया, वो लिक्विड वाला जो था, दो बना हुआ था, ऐसे क्वेश्चन ट्राई करना चाहोगे तो करना, नहीं तो नहीं करना, कोई जरूरत नहीं है। अरे यार कहाँ गया, गायब हो गया क्या, ले गायब ही हो गया, चलो बढ़िया है, नहीं है तो इस सब क्वेश्चन आपके आप मैं बोल रहा था याद कर लेना ज्यादा बेटर रहेगा। कहाँ गया जी, अरे अभी ऐसा क्वेश्चन दिखा था कहीं पे बुकलेट में कि एक ऐसा ट्यूब है और एक ऐसा वी टाइप का ट्यूब है, मान लेते अल्फा एंगल है, बीटा एंगल पे है, इसमें लिक्विड भरा हुआ है, ठीक है, इसका टाइम पीरियड सब कितना आएगा ये देखना, आपको बुकलेट में आपको दिया हुआ होगा, बुकलेट में स्टार्टिंग में दिया होगा, आप वहां से आप उसको याद कर सकते हो, याद करो नहीं करो मैं बोलूंगा छोड़ देना, जरूरत नहीं है तुम लोग को। तो जैसा ऐसा मिलेगा ना लिक्विड वाला वी शेप वाला, ठीक है, एक का एंगल होगा अल्फा से बेंड होगा और एक का इंक्लिनेशन बीटा होगा, तो टाइम पीरियड पूछेगा, तो वो सब चीज मत करना, इंजीनियरिंग का क्वेश्चन है वो सब, तो मतलब नहीं है आपके, ठीक है, देखना कभी भी आपको प्रीवियस ईयर में करके जाके देखोगे प्रीवियस ईयर में कहीं भी इस तरह का क्वेश्चन नहीं होगा, ठीक है, इस तरह क्वेश्चन नहीं आता है आपके, नहीं तो फोर्स ऑसिलेशन पे आएगा, नहीं तो डैम्प ऑसिलेशन पे आएगा, ठीक है, जितना आता है बहुत सिंपल सिंपल आता है, तो प्रीवियस ईयर भी करोगे साथ साथ जो क्वेश्चन बचा हुआ है, मुश्किल से 30 क्वेश्चन बचा हुआ है तुम लोग को, उसको खत्म करोगे तो नेक्स्ट क्लास से हम लोग शुरू करेंगे आपको वेव, ठीक है, नेक्स्ट क्लास से वेब शुरू करेंगे, ठीक है, बहुत छोटा छोटा क्वेश्चन है यार, बहुत छोटा छोटा क्वेश्चन है, ठीक है, क्या होगा देखो सब क्या बताएं हम, इतना छोटा छोटा क्वेश्चन है सब, इसको खत्म करो एक बार, ठीक है, फटाफट इसको खत्म करो, नेक्स्ट क्लास से हम लोग वेब शुरू करेंगे, मूड खराब कर देते तुम लोग, सोचा था बढ़िया से डिस्कस करेंगे क्वेश्चन सारा, उसके बाद आराम से वेब शुरू करेंगे, एक बार खत्म करो उसको बना के आओ, ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट क्लास से वेव शुरू करेंगे, ठीक है, ओके, यस सर, ईमानदारी से बना के आओ, अभी टाइम है आधा घंटा है, एक घंटा जो भी टाइम है क्लास में बैठ के बनाओ, एक घंटा आधा घंटे में कम से कम भी तो 20-25 क्वेश्चन बनेगा, बैठ के बनाओ अभी। तो ऑफलाइन वाला नेक्स्ट क्लास कब है, मंडे को? मंडे नहीं होगा, मे बी एक मिनट रुक जाओ,